सर ये पेमेंट। अरे इसमें तो 5,000 कम है। हाँ मम्मी, दिवाली से 2 दिन पहले की टिकट करा ली। बस आप एक काम करना, राजमा चावल तैयार रखना अपने। हाँ एक्सक्यूज मी भाई, ये एड्रेस कहाँ पे है? भाई आप यहाँ से सीधा जाओगे। क्या हो गया भाई साहब? यार पैसे चोरी करके भाग गए। आप एक काम करो ना, अपना मोबाइल दिखाओ और मैं पुलिस को फोन मिला लेता हूँ। भैया पुलिस को फोन करने का फायदा नहीं है, यहाँ ऐसे ही होता है। वो तो अब तक भाग गए होंगे, मिलेंगे ही नहीं। मम्मी को बताना पड़ेगा। भैया ये पैसे रखो, इससे तुम्हारी टिकट आ जाएगी। अरे भैया ये मैं नहीं ले सकता, ये तो आपके पैसे हैं ना। अरे रख लो यार, दिवाली पे तो सबको घर जाने का हक होता है। लेकिन भैया आप ये सब क्यों कर रहे हो? देखो यार, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, उन्होंने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि बुरे वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज मैंने तुम्हारी मदद करी है, कल तुम किसी और की कर देना। थैंक यू सो मच भैया। आप ना एक काम करो, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको अगली सैलरी आती मैं आपको वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो। और हाँ, हैप्पी दिवाली। तुमने कंपनी के पैसे में से उसको पैसे दे दिए? सर आई एम रियली सॉरी सर। आप ना एक काम करिए, मेरी जो आने वाली सैलरी है ना, उसमें से वो 5,000 रुपये काट के दे दीजिए। अच्छा तो सारे अच्छे काम तुम ही करोगे क्या? कुछ भारतीय रिस्क के लिए भी छोड़ दो, तुम्हारी सैलरी नहीं काटूंगा मैं। ये मुझे अच्छा लगा कि आप कंपनी की सिखाई चीजों पर काम करते हैं। थैंक यू सर। जाओ। और सुनो, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर, सेम टू यू। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो है बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित, और इस वीडियो का माध्यम ये है अपनों से अपनों को जोड़ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सपोर्ट करें और प्यार बरसाएं। और ठीक उसी प्रकार हम भारतीय एयरवेज की टीम से आप सभी को विश्व हैप्पी दिवाली।